बिना टाइप किए हुए टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजें, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। और इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा तब पड़ती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्राइव में आपका जो दिमाग है या आपका जो माइंड है वो अगर फ़ोन की तरफ डाइवर्ट हो जाए तो कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो व्हाट्सएप में ये एक बहुत अच्छा फीचर आया है, और अभी फ़िलहाल ये आईफोन यूज़र्स के लिए है, एंड्रॉयड में अभी ये फीचर नहीं है, शायद धीरे धीरे जो है ये एंड्रॉयड में भी आ जाएगा। तो इससे आप बिना टाइप किए हुए टेक्स्ट मैसेज कैसे भेज सकते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेश ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल कुछ भी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए और वो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको ये मैसेज भेजना है। आप जैसे ही उस कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे और ओपन करते ही नॉर्मल जैसे आप कुछ टाइप करते हैं तो उस पर टाइप कर लीजिए ताकि आपका कीबोर्ड जो है ओपन हो जाए। जैसे ही आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे उस अपने राइट हैंड साइड में सबसे नीचे एक माइक्रोफोन का आइकन आपको देखेगा। एक आइकन ऊपर होता है जिसको कि आप दबाकर होल्ड करके रखते हैं तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है और फिर वो वॉइस मैसेज आप भेजते हैं। पर नहीं, आपने नीचे सबसे नीचे आना देखना है और सबसे नीचे जो है एक माइक्रोफोन का एक आइकन बना होगा, आप उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जो मैसेज जिसको भेजना है आप वो बोल दीजिए, आप अपने मुंह से वो बोल दीजिए, चाहे हिंदी में बोलेंगे चाहे इंग्लिश में बोलेंगे, वो उस तरीके से टाइप हो जाएगा। वो बोलने मात्र से ही आपका जो मैसेज जो भी आप बोलना चाह बोल रहे हो वो वहाँ पे टाइप होता रहेगा, और जैसे वो टाइप हो जाए आप उसको सेंड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था वो प्रोसेस, एक बहुत छोटा सा प्रोसेस था जिसके जरिए जो है आप अपना अगर आप कीबोर्ड से ऐसे लिखने लगते हैं तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है इस तरफ को। लेकिन ये फीचर आने से जो है एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको जस्ट एक बार फ़ोन को ओपन करके रोक के जो है आपने उसको वहाँ पे मैसेज अपने स्पीच बोलनी है और जो आप बोलोगे वही आपका टाइप हो जाएगा। तो जैसे ही वो टाइप हो जाएगा आप उसको सेंड कर दीजिए, तो इससे आपका जो है माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा और आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल आपकी ड्राइव के ऊपर होगा या आप जो भी काम कर रहे हैं। वैसे तो जो है मेरी ये सुजेशन है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो इस तरह की एक्टिविटी ना करें। अगर आपको कोई अर्जेंसी है तो आप उसको गाड़ी को रोक कर जो है ये अपना काम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी भी पहुंचना है और मुझे ये मैसेज भेजना भी ज़रूरी है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।